डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की इमरजेंसी में सहूलियात का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया मेहर अचानक अस्पताल पहुंच गई। डीसी पाकपतन ने अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाया तो लड़के ने बगैर स्टेथोस्कोप ही ब्लड प्रेशर चेक किया। डीसी पाकपतन ने मरीजों और उनके वर्षा से सहूलियात के बारे में दरियाफत किया। DHQ हॉस्पिटल पाकपतन में मैंने आज सरप्राइज विजिट किया है और यहाँ पे मुझे महसूस हुआ कि शायद पेशेंट को ईद की छुट्टियों के फौरन बाद डॉक्टर्स ना मिले। तो जिली साहब को यहाँ पे बताया है कि कोई भी पेशेंट जो है वो बाहर से दवाई ना खरीदे, कोशिश करें हॉस्पिटल के अंदर से जो हमारे पास अवेलेबल मेडिसिन हैं उनके मुताबिक उनको प्रोवाइड करें और पेशेंट्स को मैक्सिमम फैसिलिटी। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया मेहर ने मरीजों की शिकायत सुनकर उनके फौरी अजाले के अहकाम जारी किए। हम मियाँ बीवी दोनों DHQ हॉस्पिटल पाकपतन में आया है, तकरीबन 2-3 घंटे से यहाँ है, कोई भी हमारे बच्चे को मेडिसिन देने के लिए तैयार नहीं है। अब डीसी साहब विजिट पे थी तो उन्हें भी बताया है, उन्होंने अमल दरामद करवाने की कोशिश की। ने अस्पताल में बगैर इतला के गैर हाजिर रहने वाले चाइल्ड स्पेशलिस्ट को शोकाज नोटिस जारी कर दिया, जबकि इमरजेंसी में स्टूडेंट्स के नाम पर रखे हुए गैर मुतलका लड़कों का दाखिला भी बंद कर दिया गया।